बेस्ट फ्रेंड बोल बेटा बोल हाँ बोल बोल दिल दिल खोल के बोल तुमने समझा के लाया है बोल कोई दिक्कत वो आज इस भारत माता के लिए अमर हो गए। वो भारत माता के पहले लाडो देवी के पुत्र थे, मेरे बाद में थे। जय हिंद वंदे मातरम साथियों। झुंझुनू के लाल का पार्थिव शरीर पहुंचा मलसीसर से सड़क मार्ग से होते हुए पूरे सैन्य व राज के सम्मान के साथ शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव के लिए रवाना किया गया। आपको बता दें कि सियाचिन ग्लेशियर में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए झुंझुनू के बेटे की पार्थिव देह मलसीसर पहुँच गई। वहीं उधमपुर से मलसीसर सड़क मार्ग पार्थिव देह को लाया गया है। अब मलसीसर से उनके पैतृक गाँव के लिए तिरंगा यात्रा के साथ उनके पार्थिव देह को रवाना किया गया है। मलसीसर से करीब 10 किलोमीटर दूर उनके पैतृक गांव बुर्डक की ढाणी जो कि कालचेसर और में राज के सम्मान से अंत्योष्टि होगी। मलसीसर पहुंचने पर थाना में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद शहीद के पार्थिव देह को गांव के लिए रवाना किया गया। बड़ी संख्या में युवक और लोग शहीद के पार्थिव देह को लेकर गाँव के लिए रवाना हुए। रास्ते में लोगों ने अपने लाडले को नमन किया। राजस्थान में सर्वाधिक शहीद होने वाली भूमि झुंझुनू जो कि शहीदों की भूमि कही जाती है। सेकावटी ने अनेक वीर जवानों को जन्म दिया जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। बुर्डक की ढाणी निवासी नायब सूबेदार देवकरण आर्मी की 15वीं जाट रेजिमेंट यूनिट में तैनात थे। ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ गई थी और वहीं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि 13 फरवरी को ड्यूटी के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई थी। उसके चलते देवकरण को मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। इलाज के दौरान रविवार को देवकरण ने देश की रक्षा के लिए शहीद हो गए। घर व परिवार को शाम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही घर में कोहराम मच गया। शहीद देवकरण दोनों बच्चे और पत्नी जयपुर में ही रहते थे। सूचना मिलने के बाद सभी को गांव लाया गया। शहीद देवकरण ऑपरेशन रक्षक के तहत सियाचिन में तैनात थे। शहीद के चचेरे भाई नितिन कुमार ने बताया कि रविवार को आर्मी हेडक्वार्टर से फोन आया तो पता चला कि देवकरण वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। नितिन ने बताया कि देवकरण 26 सितंबर 2022 को आखिरी बार छुट्टी आए थे। वहीं 10 दिन की छुट्टी बिताकर वे वापस गांव आने ही वाले थे लेकिन वीरगति को प्राप्त हो गए। शहीद देवकरण के परिवार में उनकी पत्नी व दो बेटे हैं। वहीं उनकी माँ व दो बेटे पत्नी जयपुर में रहते हैं। बड़ा बेटा 12वीं में पढ़ता है। वही छोटा बेटा 10वीं कक्षा का स्टूडेंट